एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग एजुकेशन सेंटर। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 7 टिप्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो बिना स्किप करे वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्टली तो आपको शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट व सीमित ही रखना है, आपको उसको लॉन्ग या डिटेल नोट्स नहीं बना देना है एंड पूरा उसमें डिटेल नोट्स की जीरोक्स कॉपी आपको नहीं छाप देनी है। आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी ही आपको लिखनी है। नंबर सेकेंड, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको सिक्वेंशली या क्रमवार तरीके से नोट करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि आप उसको एक फ्लो में बनाएं ताकि आप उसको पढ़ना आपके लिए इजी हो और आप उसको बार बार रिवाइज कर पाए। तो आपको एक टॉपिक चूज़ कर लेना है और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही उसको एक फ़्लो में बनाते रहना है। कब, क्यों, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने माइंड से पूछने हैं और उसके बाद अपने नोट्स को में उसको मेंशन करना है। और एक टॉपिक को आप कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड टॉपिक पर जाए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए एक फ़्लो बना होना चाहिए, एक पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बना होना चाहिए ताकि आपके शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वे बन पाए। नंबर थर्ड, बुक में दी गई हर महत्वपूर्ण जानकारी को नोट कर लें। उसमें आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर होने चाहिए अपने बुक्स के सभी शॉर्ट नोट्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, आपको बार बार अपने डिटेल नोट्स या फिर बुक में देखना पड़ रहा है। तो हर इंपॉर्टेंट जानकारी अपने शॉर्ट नोट्स में आप मेंशन कर लें ताकि आपको बार बार बुक देखनी ना पड़े। हर महत्वपूर्ण जानकारी को शॉर्ट में आप लिख लें और मेन मेन कीवर्ड लिखें। कीवर्ड वो पॉइंट होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, एक या दो वर्ड होंगे जिससे कि पूरी लाइन आपको याद आ जाती है उन वर्ड्स से। तो वे मेन कीवर्ड्स आप अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर मेंशन करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट होगा आपको चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल का प्रयोग करें, कम से कम टेक्स्ट लिखें। आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम्स एंड टेबल्स का इस्तेमाल करना है। क्या होता है, हमारी आईज जो है जल्दी कैच करती है फ्लो चार्ट्स, तो हमें इस तरह से अपने डायग्राम या फिर चार्ट्स, टेबल्स बनानी है अपने शॉर्ट नोट्स में एंड टेक्स्ट का कम से कम इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट होगा नोट्स को सरल भाषा का उपयोग करें। नोट्स में आपको सरल भाषा का प्रयोग करना है। बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज का आपको शॉर्ट नोट्स में प्रयोग नहीं करना है जिससे आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम आए और आपको लिखने में भी प्रॉब्लम आए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में अपने शॉर्ट नोट्स बनानी है ताकि वो लिखने में भी अच्छे लगे और टीचर को भी अच्छे आपके नोट्स पसंद आए। नेक्स्ट होगा नोट्स हमेशा एक नोटबुक में ही एकत्रित या कंपाइल कर लें। एग्जाम टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवीजन करने के लिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स ढूंढने पड़े। तो आपको क्या करना है, A4 साइज पे सारे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और फिर उसको एक जगह कंपाइल कर लीजिए या फिर एक नोटबुक ले लीजिए और उसमें ही अपने एक सब्जेक्ट के नोट्स, शॉर्ट नोट्स सभी एक जगह ही बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 जगह आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और फिर उसको आप देख रहे हैं या फिर ढूंढ रहे हैं या फिर आपको मिल नहीं रहे हैं या फिर एक टॉपिक आपने किसी और नोटबुक में लिखा है, एक टॉपिक किसी और नोटबुक में रखा है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको एक जगह ही कंपाइल करने हैं एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाए स्टूडेंट्स। नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कलरफुल पेन या फिर हाइलाइटर्स का उपयोग करें। आपको डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके नोट्स इंटरेस्टिंग लगे, आपको उसको पढ़ने का मन करे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे वे देखने में भी शॉर्ट नोट्स लगे ताकि आपका मन करे उसको बार बार पढ़ने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट्स।